अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आदाब अर्ज, नमस्कार। मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मुकामी रणधीर वर्मा चौक पर, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पिछले 14 दिनों से अपनी दुकान उजाड़े जाने के खिलाफ में एहतजाज में एक खातून, जमीरा खातून, भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। 14 दिनों के बाद धनबाद का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आया है और एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सीओ धनबाद के सीओ प्रकाश कुमार और सदर थाना के ओसी मिस्टर अशोक कुमार गए, उनसे बातचीत की और उनका उनका भूख हड़ताल ख़त्म करवाया। हम जमीरा खातून से भी हमने बात की, क्या उनकी मांगे थी, क्या मामला था, पिछले 24 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी। जी, दुकान का मेरा माल था। अच्छा, क्या हो गया था आपको? दुकान मार्केट वाला थोड़ा दे गया था। अच्छा, पैसा लेकर इसलिए हम लोग बहुत बेइज्जती हो गए, भूख मेरा तन्हा ही। कब से आपकी दुकान थी वहाँ पर? मेरा दुकान बहुत पुराना था, उस टाइम मेरा शादी भी नहीं हुआ था। अच्छा, उस टाइम का वो दुकान और आज मेरा बच्चा लोग बड़ा सियाना हुआ, लड़की भी मेरी सियानी हुई, लड़का भी मेरा सियाना हुआ। अब आपके मांग पूरा हो, आज आए थे आप सर, सीओ साहब आए थे, आप लोगों को जूस पिला के आए, आपका हमारा नसल, आप उससे खुश हैं ना? जी, बस हमको वही मतलब जमीन चाहता था, इसलिए देखिए मेरा पास दो दो पेशेंट है, एक सिंगल पेशेंट है, एक लड़का का मेरे यहाँ पर जगह हो गया था, हम लोग ब्लॉक लेकर के गए थे, हम लोग जाने का बारी था, इससे हम लोग को गए हैं जो किसी लायक हम लोग, आज मेरा बच्चा हम बताया जाए आज क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, आज 14 दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बैंक मोड़ फुटपाथ दुकानदारों के समर्थन में उसके दुकान को तोड़ दिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। उसके समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 24 तारीख से, आज 14वां दिन है, लगातार आमरण अनशन में थी। आज जो है जिला प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा टूटी, ये हमारे आंदोलन का देन है और आंदोलन के आगे झुकना पड़ा जिला प्रशासन को और वह एग्रीमेंट किया है कि मैं इस संबंध में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार मैं सही काम करूंगा और जो भी आपका डिमांड है उस पर सकारात्मक पहल करूंगा। आप सेटिस्फाइड हैं इस वार्ता से? जी, अगर इसके बाद भी लिखित चुकी मिल चुका है मुझे, अगर इसके बावजूद भी जिला प्रशासन फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय करती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व्यापक आंदोलन करेगी, इससे बड़ा व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करेगी। नारा लगा क्या? इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सौरभ अली जिंदाबाद, 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 सौरभ अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ सर, क्या आज हुआ सर? ये धरना 14 दिनों से आमरण भूख हड़ताल है सर, इस पर? हाँ, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का कुछ मांग है, वो मांग हम लोग लिए हुए हैं। उसमें से मुख्य कुछ मांग है कि बैंक मोड़ के आसपास कुछ अतिक्रमण पूर्व में हटाया गया था, उसमें इन कुछ फुटपाथ के दुकानदार को वहां से हटाया गया, तो इन लोगों का यहां पर कहना था कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को वहाँ पर किसी
तरह से कुछ एडजस्टमेंट किया जाए सरकार के द्वारा, और भी उसके साथ कुछ मांगे थे जिसको हम लोग देखे हैं, समझे हैं और उस पर सहानुभूति विचार करते हुए जल्द ही अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभी अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात हुई है और उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी हम लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हम लोग उस पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करें।